हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप मानको स्वागत करछि वर्तमान रा एई वीडियो रे वर्तमान रा अपडेट आपण मान पई नियुक्ति आछि भुवनेश्वर रे ईस्ट कोस्ट रेलवे भारतीय पूर्वतट रेलपथ रे आपण मान पई नियुक्ति सुजोग रहिछि पोस्ट रे किछि वैकेंसी आसीछि जोथ पई आपण माने अप्लाई करि परिबे तेबे एही फॉर्म को आवेदन करिया कोले कोन सब एलिजिबिलिटी कंडीशन रहुछि कोन सब क्राइटेरिया बिलोंग्स करुछि से सब विषय में आपण मानक ए वीडियो माध्यम रे जणाई रखबी तबे निश्चित रूपे वीडियो को शेष जाए वाच करिवे वीडियो टी भल लागले निश्चित रूपे वीडियो को लाइक टे करिवे सांग साथी को सहित शेयर करे को जमर भूलबे नै तबे चालंतु देरी न करी ए वीडियो टी को संपूर्ण रूपे जानी रखिबा तबे देखो फ्रेंड्स हमर ऑफिशियल साइट माध्यम रे मु आपण मानक डिटेल्स रे ए जब रो संपूर्ण अपडेट टी प्रोवाइड करू छी ऑर्गेनाइजेशन नेम रही ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जो थे कि आपण मानकर यार रिक्रूटमेंट अपडेट आसी अच्छी ये पोस्ट गुड़िक रही ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट रे वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस रही आपण माने पीडीएफ चाहिए चेक करेंगे ये सैलरी लेवल टू लेवल थ्री अनुसार आपण मानक मिलूँ बेसिक रजार 63,200 पर्यंत बोथ मेल एंड फीमेल यह अप्लाय करेंगे ओडिशार प्रत्येक जिलार भाई और भौनी माने समस्त एही फॉर्म को आवेदन करिपरिबे तबे एही जॉब टी परमानेंट जॉब रहिची रेगुलर बेसिक रे आपण माने एथिरे दरमा पाइबे ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे ओडिशा गवर्नमेंट रे आपण मानको नियुक्ति दिया जिवो किंतु एही जॉब टी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अटे एथि सहित एही फॉर्म टी को जदि आपण के अप्लाई करिया को चाहुचंती जानि रखंतु एही फॉर्म टी वर्तमान अप्लाई प्रोसेस आरंभ होई सारिची जोटा कि आपण मानकर 23 मे 2023 पर्यंत अवेलेबल रहिबो आपण माने 23 मे 2023 पूर्वरु फॉर्म को अप्लाई करि परिबे एडमिट कार्ड जदि आपण माने अप्लाई करछंती अति जल्दी अनाउंसमेंट होई जिवो ऑफिशियल साइट रे एवं केबे आपण मानकर इंटरव्यू करा जिवो से विषय रे भी आपण को नोटिफाई करा जीवो तबे एही फॉर्म को ओडिशा रो प्रत्येक जिल्ला रो भाई और भौनी माने आवेदन करि परिबे ऑल ओडिशा कैंडिडेट एहा को अप्लाई करि परिबे तबे फ्रेंड जेउ प्रार्थी माने इंटरेस्टेड अछंती फॉर्म को अप्लाई करिया को चाहुचंती से माने जानि रखंतु एठी आपण मानकर फॉर्म टी को आवेदन करबा सहित किछि एप्लीकेशन फीस मध्य पैठ करबा को पड़िबो एही एप्लीकेशन फीस को आपण माने डिमांड ड्राफ्ट कि आईपीओ माध्यम रे पैठ करिवे एठी आपण मानकर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी पिला मान पई 500 टंका एप्लीकेशन फीस रहितबा बेले पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी पिला मान पई 250 टंका एप्लीकेशन फीस रहिची एथि सहित जे प्रति माने इंटरेस्टेड अछंती फॉर्म को अप्लाई करे को चाहुचंती से मानकर वयस सीमा 1/7/2023 जुदा मिनिमम 18 वर्षरु ऊर्ध्व होइथिबा दरकार मैक्सिमम 25 वर्ष वयस भितर होइथिले आपण माने ए फॉर्म को अप्लाई करि परिबे एथि सहित एथिरे एज रिलैक्सेशन मध्य रहिची जेउ प्रार्थी माने ओबीसी कैटेगरी बिलोंग्स करछंती से मानको 3 वर्ष रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मानम पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन एक्स सर्विस मान भाई 5 वर्ष एवं पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी मानम पई 15 वर्ष रही जो माने फिजिकली हैंडिक्राफ्ट होइथिबे तबे चालंतु जानि रखिबा अन्यान्य विवरणी सो फ्रेंड्स जदि कोनोसी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करछंती सेठी आपण मानकर एलिजिबिलिटी कंडीशन रे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट टी निश्चित रूपे प्लस टू कंप्लीट करथिबे एवं आपण मानकर 50% एग्रीगेट मार्क रहितबो ताहाले अप्लाई करि परिबे अथवा आपण माने जदि प्लस टू रे 50% एग्रीगेट मार्क रखिछंती ताहाले आपण माने अप्लाई करि परिबे एठी आपण मानकर जदि आपण प्लस टू न करके आईटीआई करछंती 10th परे परे सेता मध्य आपण मानकर अवेलेबल रहिछि आपण माने ए फॉर्म को अप्लाई करि परिबे जे माने मैट्रिक पास करथिबा परे आईटीआई कंप्लीट करछंती टेक्निकल कैटेगोरी रे एठी आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसीजर जहाँ भी रही आपण मानकर अथॉरिटी द्वारा करा जीवो जोटा कि आपण मानकर गोटे इंटरव्यू बेसिक रहिबो एठी अप्लाई मोड रहिबो ऑफलाइन बेसिक रे जो माने अप्लाई करिवे स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर्ड पोस्ट माध्यम रे अप्लाई करिवे तबे पोस्टल एड्रेस रहिबो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर एक्यू बा हेडक्वार्टर सेकंड फ्लोर साउथ ब्लॉक रेल सदन चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर ओडिशा पिन रहिबो 751017 एही एड्रेस रे आपण माने आपण मानकर एप्लीकेशन रो फॉर्म को ऑफलाइन रे स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर्ड पोस्ट माध्यम रे पहुंचाई देबे तबे ई फॉर्म टी को अप्लाई कला बेले कोन सब एप्लीकेशन सहित डॉक्यूमेंट आवश्यक रहिबो
देखो फ्रेंड्स ये आपर 10th मार्कसीट आवश्यक सर्टिफिकेट आवश्यक रदि आपने प्लस टू प्लस थ्री करपर सर्टिफिकेट देवे किंवा कंप्यूटर सर्टिफिकेट जदि कंप्यूटर करते कंप्यूटर सर्टिफिकेट देवे एवं जब आईटीआई भी आईटीआई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे एटि किसी आईडेंटि कार्ड आवश्यकता रपरिक आधार कार्ड भोटर कार्ड पैन कार्ड यही सब कार्ड रु गोटे आपण संलग्न करके देवाक पड़ो एटि कास्ट सर्टिफिकेट मैटर कै जो मैंने एससी एसटी होते से ईडब्ल्यूएस कैटेगोरी पाई कास्ट सर्टिफिकेट जोटा कि इकोनोमिकली विकेड क्लासेस सेक्शन रो आपण क्राइटेरिया रही सेमती भी आपर तहसिलदार बाहर करेंगे भी आपंपारे एटी सहित रेसीडेटियाल सर्टिफिकेट जोटा रोचे आपण मान आवश्यकता रेल्फ आटेस्टेड पासपोर्ट सैज फटोग्राफ कि आवश्यकता रुक को संलग्न करी आपर आप्लिकेसन फर्माट को अफलाइन प्रोसेस पोस्ट करेंगे स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर्ड पोस्ट मध्यम जो ठिकना मुझे आपड़ रखिली से ही ठिकन सो फ्रेंड्स देखो आपड़ो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी जो क्लिक करके आपिसीयल नोटिकेसन टू डाउनलोड करेंगे आम अफिशियल सैट्रु तेब डेरी कहीं बर्तमान क्लिक करूँ डिस्क्रिप्शन में अफिशियाल सैट को भिजिट करूँ एवं पेज को स्क्रोल डाउन करके तौक आसतु अफिशियाल नोटिकेसन लिंक क्लिक करके ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी को डाउनलोड करूँ एथसत जदि एपर्यंत आपण मैंने टेलीग्राम को जॉइन करना ताले टेलीग्राम जॉइन करनी आम ऑफिशियली साइट www.miniindia.in मन रखु www.miniindia.in ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट आपण प्रोवाइड करा तेणुक आम सहित जोड़ रुंतु डिटेल्स अपडेट टाइम टू टाइम आपर सो फ्रेंड्स ये थिला डिटेल्स अपडेट टीए आपण मानी ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ आसुवा भुवनेश्वर अथवा उड़ीसा रे निजुक्ति तेब आशा करूँगी अपडेट टी आपको निश्चित रूपे भल लगी फ्रेंड्स भल लगी वीडियो टी प्रथम लाइक करूँ सांगसाथी सहित सेयार करने को जमार भूलत ना एवं आपण मान गुरुत्वपूर्ण मतामत कौन रही जदि ए वीडियो संबंधित कौन सी भी डाउट रही कमेंट सेक्शन रे कमेंट करूँ तार रिप्लाय आपण मानक जथा जल्दी कर दि जाव तो फ्रेंड्स वर्तमान तो समय हो सारी पुणी देखा नेक्स्ट एपिसोड रे से पर्यंत विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।